सीताराम, आज सोमवती अमावस्या चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि, कल से नवरात्रि लग जाएंगी। आज के दिन बिल्व की अगर पूजा की जाए तो अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव कहते हुए आप जो है जल अर्पित करें इन्हें, और साथ में चूँकि आज अमावस्या है तो अगर पीपल की पूजा हो और साथ में बरगद वट वृक्ष की पूजा हो तो समस्त प्रकार के बोध और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सोमवती अमावस्या को इनकी पूजा अवश्य करें। इनको जल अर्पित करने के बाद अब क्या करें कि इनकी परिक्रमा जरूर करें, क्योंकि जब आप ऐसे दैवीय वृक्ष जो 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहे हैं उनकी परिक्रमा करेंगे तो उनकी ऊर्जा की ग्रहणशीलता आपके अंदर आ जाएगी। आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत शिवलिंग के दर्शन कराने वाले हैं जिनकी स्थापना 5 पांडवों ने किया था, और वो कलयुग में बहुत अद्भुत शिवलिंग है। इसमें क्या है कि लगातार उसकी आकार बढ़ रही है, और जैसे जैसे एक उसका शिखर पॉइंट अगर उसको टच कर जाएगा तो कलयुग का अंत हो जाएगा, ऐसी मान्यता है। हम आज आपको उसका अवलोकन दर्शन कराने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। बिल्लू की शाखाओं को भी और पीपल की शाखाओं को आप उसे इस प्रकार से स्पर्श अवश्य करें, उससे क्या होगा कि आपको इसकी ऊर्जा प्राप्त होगी पूरी तरीके से। बहुत अद्भुत है बरगद बोध वृक्ष कहते हैं ना, बट वृक्ष, ऐसे ही भगवान बुद्ध नहीं जो है इनके नीचे प्रवास किए हैं। बहुत अद्भुत ये अद्भुत और विशाल शिवलिंग स्थापना पांडवों ने किया था, और जो लगातार अपनी साइज से वृद्धि कर रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। ये प्रतापगढ़ में भोपिया मऊ के पास में स्थित मंदिर है, बहुत प्राचीन और बहुत ही बेहतरीन अति दिव्य प्रांगण है ये। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय। बिल्व पत्र को हमेशा इस प्रकार से चढ़ाएं जैसे शिव की आँख है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र चतुर्धायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम बिल्व पत्रम शिवार्पणम शिवार्पणमस्तु। ओम श्री श्याम सदा शिवाय नमः। हर हर गंगे हर हर गंगे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 27 दिन तक बिलपत्र बासी नहीं होता। हर हर गंगे हर हर गंगे। आप बिलपत्र को धुल करके बार बार अर्पित कर सकते हैं, और कोई भी बिलपत्र चढ़ाया हुआ हो आप जो है उस बिलपत्र को धुल लीजिए और धुल करके उसको अर्पित करिए। आप बिल्कुल कर सकते हैं, ये पुण्य आपको अवश्य मिलेगा। पैर के नीचे ना आने दें, कई जन्मों का पुण्य नष्ट हो जाता है। पैर के नीचे अगर बिलपत्र आता है, जब आप मंदिर में नंदी भगवान की पूजा करते हैं तो घर के बाहर भी उनको न मारें, मार मार भगाओ हटो हटो करके ना, तो उससे क्या होगा, यहाँ तो आप पूज रहे हो शिव के सबसे करीब हैं, वहाँ आप मार रहे हो तो शिव से शिकायत कर देंगे, तब क्या होगा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ये शिव पंचाक्षर स्त्रोत है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मागरांगाय महेश्वराय, और ये लिंगाष्टकम है। बहुत अद्भुत रचना है ये। शिव स्वरूप शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदार लग जा मेरी राखियो हे नंदी के अवसार, हे नंदी के अवसार, नंदी के अस्वार हैं। पापाहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवा त्राहि माम पार्वती नाथम सर्व पाप हरो भव सर्व पाप हरो भव सर्व पाप हरो भव। त्रिभुवन में सर्वज्ञ तुम्हें विस्तार कौन नापे, और तुम क्रोध में जब आ जाओ तो ब्रह्मांड सकल कांपे।
तुम्हें ध्यावे त्रिपुरारी, गावे महिमा तुम्हारी, तुम हो दिव्य सकल गुण धाम, वीर बड़ा तनुधारी, प्रभु अवध बिहारी, तुमसे बड़ा है तुम्हारा राम, जय श्री राम। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु भज शिव, श्री राम जय राम जय जय राम। लंबोदराय विघटाय, लंबोदरम परम सुंदर मेकदंतम पीतांबरम तिनैनम परमं पवित्रम उद्विका निभोज्जलम कांतिकांतम विश्वेश्वरम सकल विघ्नहरे नमः। सोमवती अमावस्या का लाभ उठाइए, अद्भुत अनंत अविनाशी ऊर्जा है, कण कण में शिव व्याप्त है, कल्याणमयी है, पीपल वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, अनंत पुण्यदायी ऊर्जा है। ईश्वर तो भाव से पूजे जाते हैं, पदार्थ इनके लिए नगण्य है। आप भाव तो अर्पित करें, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सनातन संस्कृति परंपराओं से जुड़ने के लिए, उनकी वैज्ञानिक गूढ़ता को जानने के लिए हमारे चैनल वैदिक गुरु को अवश्य सब्सक्राइब करें, VAIDIK SPACE GURU। बहुत सारी जानकारियाँ आप ही लोगों के लिए उस पर हैं। जय श्री सीताराम।